दिखाया था पहले, उसको दिखाया था कि हमको इस जगह पे जाना है, सारी जगह बोल रहा है कोई बात नहीं, उसके बदले मैं आपको दो जगह और एक्स्ट्रा लेके जाऊँ। ये भी अनुभवी है। जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने पढ़ाई की थी, देखो बाहर का नजारा कुछ ऐसा है, ये देख लो पेड़। चलो भाई आ चुके यहाँ पे और हमने करवा लिया ऑटो, यहाँ से जाएंगे अभी। ये देखो हाँ जो वहाँ कट नहीं खाओ तो हूँ फेर पड़क नहीं हम मोजे हाल से कहते पहला वहाँ कट नहीं खोला पाया था कि माथा गुट नहीं ना समझो नहीं तुम्हें फुल ग्रीनरी ऑलवेज ग्रीन, बहुत बढ़िया जगह, बहुत ही उत्तम बलराम विद्याश्रम स्थल। भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला मुख्य मंदिर आओ भाई, कृष्ण भगवान अहीं पण आव्या हता उज्जैन में भणवा माटे। महादेव महादेव उज्जैन महादेव नगरी है, महाकाल खड़े देखो उज्जैन महादेव नगरी है, सारा लोकेशन बहुत ही बढ़िया। ये देखो ये है श्री कृष्ण शांतिपनी आश्रम का गोमती घाट, यहाँ पे है गार्डन बार्डन, झूला है खाने पीने के लिए, कितनी सारी मछली कुछ किताबें और माला वाला रुद्राक्ष वो सब यहाँ मिल सकता है। ये देखो फोटो खींच रहा है, है मछलियाँ ढूंढ रहा है, हम यहाँ पे बैठे हैं। कितनी गिन है। चलो अभी निकलते हैं। देखो है समष्टि 14 विद्याओं की कला दीर्घा, वाह प्रधान, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। ऑटो कहाँ गए, ऑटो अपना ऑटो को तो भाई अपना ऑटो किधर है, यही आ रहा है भाई, डायरेक्ट। अभी कहाँ जाना है, इसका फोन बहुत चालू रहता है। ये भैया बहुत बिजी आदमी है यार। मंगलनाथ मंदिर पूरे विश्व का, मंगलनाथ मंदिर कुछ जानकारी तो दे यार, कोई बोलता ही नहीं है, पहले बोला था मैं तुमको गाइड करूंगा। मंगलनाथ मंदिर ही है, दर्शन नहीं हुए ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया लोकेशन मंगलधाम मंदिर, मंगलधाम मंदिर में कुछ बोलो ऐसा है सब, कुछ ज्यादा पब्लिक नहीं है। यहाँ से रिवर जा रही है,
यहाँ पे बैठने के लिए। वीडियो ये है यहाँ पे रिवर तालाब है, महादेव महादेव हर महादेव महादेव मंगलनाथ महादेव बापा सीताराम ने मूर्ति आई है भाई। पहुंच चुका है काल भैरव मंदिर। ये रहा मेन गेट काल भैरव मेन। और ये यहाँ से लेके लेंगे प्रसादी चढ़ावा मदिरा 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 पान। चचा बहुत गर्म हो गया है। ये देखो देखो ये है पुलिस एक्सपोस एमपी पुलिस गर्भेश्वर महादेव मंदिर। सारक सारा सारक सारा ये लो होटल अभी चढ़ने के होटल डाल लेंगे छोटा दे देंगे भैया पिलाने दे लो दारू पिलाने दे पाओ बोल रहे हैं कि मदिरा पान नहीं चढ़ेगा भगवान को बंद कर रखा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी देखते हैं। ये रहा यहाँ तो मिल रहा बंद है अंदर चालू है अभी तो बोल रहा है कि अंदर चप्पल जी तो बोलते दारू लेना ले लो बिलेंडर सिग्नेचर अंडर पेपर ये बचा दे अंदर चले अपने आया भैया आया बोलो पहली बार लाइफ में पहली बार दारू लेने आया हूँ। पूरा शॉपिंग लगा इसका कितना है? ये 300 250 200 इसका कितना? ये 300 ये 250 ये 350 वहाँ जाइए अपने को अनुभव नहीं है अनुभव ये है बेटा जरा भी नहीं है और ये तो बहुत बड़ा है बोल बोले बोल ये भी अनुभवी है। हमको तो मालूम नहीं होता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। हेलो चलो भाई जान पहचान वाला है कहाँ गए भोग लगाए वो चलने दो भाई। प्रसाद 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 बाबा काल भैरव का प्रिय प्रसाद। उज्जैन नगरी में श्री बाबा काल भैरव का यह अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्री बाबा काल भैरव का मुख्य प्रसाद मदिरा भोग है। यहाँ पर मदिरा बाबा स्वयं अपने मुख से ग्रहण करते हैं। अतः समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप सभी श्रद्धालु बाबा काल भैरव का परम भोग मदिरा शासकीय मदिरा की दुकान से ही खरीदकर श्री भगवान काल भैरव को मदिरा का प्रसाद चढ़ाकर भोग लगाएं। ओम सर्पयुक्ताय नमः। ओम शिखि सखाय नमः। ओम भूधरा ये देखो पता चल रहा है ना दो दो देख के तो जो आने तो सब रिकॉर्ड हो चुका है भाई सब रिकॉर्ड हो चुका है। पहचान में आता है तू क्या चीज है वो।
ये देखो ये अभी दो तो उसकी ही है, दो तो उसकी ही है, हमने तो भाई एक ली है भाई प्रसाद चढ़वाने के लिए, तो पूरे के पूरी वहाँ पे रख देंगे, पूरे के पूरी वहाँ पे रख देंगे। ये है काल भैरव मंदिर जहाँ से हम एंट्री ले चुके हैं, ये रहा काल भैरव मंदिर, यहाँ पे चढ़ाएंगे प्रसाद, पूरे का पूरा चढ़ा दूंगा। काल भैरव मंदिर ये इसको और ध्यान दो, यहाँ से ये असली रूप इसका भ्रम में आ गया। अंदर तो मंदिर में मोबाइल के मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए भैरव दादा का वीडियो शूट तो नहीं कर पाया, पर आप एक बार आओ और खुद देखो वो चीज है। शिव मंदिर काल भैरव प्रांगण, यहाँ पे आरती के समय ये भी पूरा जैसे हर सिद्धि माता के मंदिर में दिया जल रहा था, ऐसे भी यहाँ भी जल रहा है। ये है मंदिर का व्यू, हाँ छोटी जी है क्या क्या भाई, हम भी ढूंढ रहे, एक है तो चाहिए मेरे को, चाहिए मेरे को, हमारे मंदिर में बाहर से ले आओ ना, फिर आएंगे। उसमें क्या हो, मैं दे देता ये बोला मैं दे दिया। खत्म हो गया है, अभी ये पूरी बोतल अंदर चढ़वा के हम लोग निकल, हम लोग निकलेंगे, दोनों चढ़ा देंगे सब सारी बोतल, ठीक हो, हाँ चढ़वा दो छोटी निकल चुके, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब कौन सा मंदिर है भाई, अब कौन सा मंदिर है, यहाँ आ गई, कहाँ गया वो भाई, यार अंदर बैठा अंदर, भैरव दादा का वाहन, ये देखो बंदर वो नहीं ये, और दो बंदर साथ में, ये रहे दो बंदर, ये देखो और एक वाहन है भैरव दादा वाहन, मोस्ट ऑफ यहाँ गुजरात का गुजराती ने बनवाया है, हेमराज भाई उल्ला भाई रबारी नवा गाम खेड़ा गुजरात, ये देखो क्या ये क्या कर रहा वो उसकी जुए निकाल रहा है, जुए निकाल रहा है, जुए निकाल रहा है वो, जुए ये दो बंदर, ये दो बंदर, तीन बंदर, गंध रुपया शमशान शमशान है, गंध रुपया, गंध रुपया, आप जोर से बोलो, गंध रुपया, गंध रुपया शमशान, ये गंध रुपया शमशान है, चले गए शमशान के अंदर, यहाँ हमको रात के रात में आने का है, तो हमारी हिम्मत नहीं है भाई किसी की भी नहीं होगी, इधर फट के चार हो जाती किसी की भी नहीं होगी, इसीलिए हम नहीं आ रहे भाई, झूठ क्यों बोल रहा भाई, सही बोलेंगे हम तो यार, नहीं आने की हिम्मत है तो क्या करें भाई, दिन में आ गए, आने आना था पर रात में नहीं आ सके, आ चुके दिन में, देखते है जो यार घोर जंगल है, इसमें इसमें कैसे आ सकते है रात में यार, बहुत इसमें रात में आएंगे तो इसमें से आवाज आएगी तो भाग जाएंगे हम लोग बंदर भी बहुत सारे है, ये देखो ये वो आगे आगे चल रहा है, वो अनुभवी है शमशान का, ये देखो ये ऐसा रात में देख जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग रात में हम लोग ऐसे दिख जाएंगे तो हम क्या करेंगे
नहीं भाई नहीं, ऐसी ऐसी गमी को कोई अग्नि परीक्षा नहीं चाहिए। फिर चल दिए भाई, ये देखो और ये देखो, कुछ अलग जगह है। निकलते हैं जूता चप्पल, बहुत ही जंगल में है, जंगल जैसा लग रहा है। यहाँ पर तालाब है, पर रात में आने तो बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रात में यहाँ पे लाइट बाइट कुछ होता नहीं है, अंधेरा ही होता है, इसलिए पूरा का पूरा जंगल है। विक्रांत भैरव, ये है स्मशान, ये जगह है। देखो बहुत ही मस्त लोकेशन, वाह। अरे अभी सिद्धवट मंदिर में मंदिर यहाँ पे बोल रहे हैं पिंडदान होता है, पितरों का पिंडदान होता है। इस जगह पे बंदर बहुत सारे हैं ना, करवा दे बोले फोन। वाह, ये मंग हुआ भादर वो महीनो है, अपने यहाँ वो जरूरी बोलो ना। हालो ने अपने में ये क्या है राम, ये सिद्धवट मंदिर, सिद्धवट मंदिर है। हम इधर आए हैं, अभी भादरवा चल रहा है। और यार रिक्शा वाला झूठ बोल, रिक्शा वाला यार बहुत ही टॉर्चर। पहले जो बात हुई थी वो उसकी जगह पे लेके जाना नहीं है, और बोल रहा है कि ये इसकी बात नहीं हुई थी, इसकी बात नहीं हुई थी। हम नहीं जाना, हमने पूरा कार्ड है, गार्ड है हमारे पास, इस जगह पे जाना है। पहले उसको दिखाया था कार्ड है कि हमको इस जगह पे जाना है, सारी जगह। बोल रहा है कोई बात नहीं, उसके बदले मैं आपको दो जगह और एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा, पहले बोला था जब हमारी डील नहीं हुई थी उसके पहले। और अब जब एक दो स्टेशन बाकी है तो बोल रहा है कि नहीं हमारी ये दो जगह पे बात नहीं हुई। अभी हम ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, अभी हम चार स्टेशन एक्स्ट्रा लेंगे, ऐसा क्यों करना, पैसे पूरे देते तो फिर ऐसा क्यों करते हैं। पर कल भी यही हुआ था, कल भी एक जगह जाना था, अब छोड़ा कहीं पे पर गए कहीं पे, ऐसा करते। कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अभी घूमने आया तो ऐसा तो चलता रहेगा, बताना जरूरी था। जो हमारे गुजरात में प्राची है वैसे है सिद्धेश्वर महादेव, अपने प्राची है माँ है प्राची नी जेम प्राचीनी जेम सिद्धपुर पाटण प्राची है, जैसे रात गुजरात में वैसे ये है। यहाँ से पितृ की पूजा, पितृ कार्य सब यहाँ से होता है। ये एमपी का प्राची है गुफा जा रहे है, हो देखो उसको बहुत टाइम लगता है। अरे बहुत बहुत हूँ, ये क्या दिल खुश कर दिया। गुफा प्रवेश साथ में ही अंदर जाते ही हनुमान दादा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। टीका, अभी मैंने भी टीका कर लिया, देखो इसकी आपको हरकत दिखाता हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, इधर तो मैं नहीं आऊंगा, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं जाना, नहीं जाना, तो जाएगा, जाओ जाओ तुम जाओ, ऑक्सीजन की कमी पूरी आएगी। मोबाइल ले लो तुम,
क्या हो गया है भाई वापस आए तो आगे खत्म ऑक्सीजन और रिक्शा वाले को बोल दो हम तीन थे दो ही रहेंगे दो ही अभी हम यहां से अब जाएंगे जाएंगे जो होना है हो जाए गुफा में रुकना बैठना मना है रुका बैठा भाई तू तो गया समझ गए नहीं भाई अभी क्या उधर ऑक्सीजन की कमी है पूरी नहीं जाने मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ देखो पसीना उधर ऑक्सीजन जरा सा भी नहीं नंबर टू फोटो खींचना मना हम तो खींचेंगे भाई आए ही इसलिए छोटी जगह पूरी की पूरी हाँ तीन बज गया देखोगे पसीना दिखा था वो बाहर जाके ओ भाई गर्मी कितनी थी उधर बहुत गर्मी है उधर यार बहुत अभी पसीना निकल रहा है पसीना ज्यादा यार चलो अभी कौन सी गुफा है दो ही है अभी दो ही गुफा बस बहुत ज्यादा थी इधर सेल्फी लेने का स्टैंड है कहाँ पे इधर ओ यार देखो हमने इधर सेल्फी ली थी सांस फूल गई यार बहुत बड़ी जगह बहुत बड़ी इसका कुछ करना पड़ेगा नहीं चले जाओ सरदार गुरु उज्जैन नगर पालिका बटुक बेरो रात में इधर कोई नहीं रहता है लकड़िया देखो लकड़िया जलाना अग्निदान करने के लिए इधर भैरव बाबा है वो पानी में है अभी अभी तो नहीं जा सकते हम अगली बार आएगा तब जाएगा इधर की एक बात कि सभी मंदिर तालाब नदी के पानी में तालाब और नदी बाजू में पास में होती ही होती है सब मंदिर में पानी के बाजू में ही मंदिर है मोस्ट ऑफ मंदिर में तो ऑटो यहाँ तक भी आ रही थी लेके नहीं आया एमपी में बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा हमारा बहुत गंदा एमपी में अगली बार एमपी आए तो अब गाड़ी लेके आना है अब ट्रेन में नहीं आना वो बात हमने आज जान ली अभी अब एमपी में आए हमने सब देख लिया है सब देख लिया है देखा तो पहले भी था पर वो बहुत साल हो गए थे अब तो गाड़ी लेके आएंगे जब भी जहाँ भी जाएंगे अभी तो प्लान चल रहा है कहीं और का कौन सी जगह कन्फर्म होती है फाइनल होती है वो तो बाद में पता चलेगा भाई आ चुके हैं खाना खाने के लिए मुंह बाबा मैं नहीं आऊंगा